Morning, children. Welcome back to online class in RPS Public School. And today I am going to take a class of class 7. So all the students of class 7, listen carefully and see here. Class 7, SST. Geography. Oh, sorry, civics है. Chapter number 23, State Government. Chapter number 23, State Government. तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो बात किया हुआ था, हमारा लॉ मेकिंग के बारे में बात किया हुआ था. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा है टॉपिक ऑर्डिनरी बिल के बारे में. ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल क्या होता है, चलिए देखते हैं ऑर्डिनरी बिल. सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, लिसन केयरफुली एंड सी हियर. ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग. Ordinary bill. An ordinary bill can be introduced in either the upper or the lower house. When a bill is presented it discusses and debited so kya kya hota hai dekhte hain if it is passed in the Vidhan Sabha by a majority, it is then sent to the Vidhan Parishad. Vidhan Parishad or for discussion. And what the Vidhan Parishad cannot hold the bill for more
will for more than 6 months. चलिए देखते हैं, आज बातें हो रही ऑर्डिनरी बिल के बारे में। हम लोगों ने बात किया हुआ था कि बिल जो है वह कैसे बनता है। बिल जो है हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा होता है मनी बिल। तो आज हम देखेंगे ऑर्डिनरी बिल के बारे में, उसके बाद में मनी बिल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ऑर्डिनरी बिल जो होता है, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर द अपर और लोअर हाउस। तो ऑर्डिनरी बिल जो है वह या तो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में भी हो सकता है। व्हेन अ बिल प्रेजेंटेड और डिस्कस, जब भी बिल को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है और उस पर डिस्कस किया जाता है, बहस किया जाता है, जब बहस किया जाता है तो क्या होता है, वो बिल पास होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इट इज पास इन द विधानसभा बाय ए मेजोरिटी। सभी जितने एमएलए वगैरह हैं विधानसभा में बैठते हैं और बिल जैसे ही उसमें दिया जाता है आपसी मेजोरिटी से, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल को पास किया जाता है। और बिल को पास करने के बाद में इट इज सेंट टू द विधान परिषद, विधान परिषद को सेंड किया जाता है। साथ ही वहां पे डिस्कस होता है, उस पर भी वोट होता है, जो प्रक्रिया वहां होती है। और दोनों सदन में ये प्रक्रियाएं जब संपन्न हो जाती हैं तो इस बिल को पास किया जाता है। साथ ही विधान परिषद जो है इस बिल पर जो है वो 6 महीने से ज्यादा तक नहीं रोक सकता, यानी कि जब विधानसभा से यह बिल निकल जाएगा तो उस दिन से 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने सेशन के अंतर्गत ही ये सभी चीजों को पूरा कर लिया जाएगा और करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऑल द स्टूडेंट लिसन केयरफुली। Either of the house rejected the bill or the suggestion made results in the dead law. ठीक है, next in such condition a joint session is called by the governor and bill is put to vote and bill is put तो चले, जैसे ही विधानसभा से भी जब निकल जाता है ये, तो क्या होता है, जब भी इसको रिजेक्ट जब किया जाता है बिल को, तो उसको क्या हो जाता है, डेडलॉक के रूप में, रिजल्ट के रूप में क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में दोनों सदन जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद में, विधान परिषद के लोगों को जो है वह गवर्नर उन लोगों को इनविटेशन भेजती है, कॉल करती है कि हाँ आप लोग आइए और इस बिल पर जो है वह वोट किया जाए कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब आपसे मेजोरिटी से ही ये बिल जो है वह पास होगी। आइए देखते हैं मनी बिल के बारे में।
मनी बिल ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द विधानसभा After the bill is passed by the Vidhan Sabha, it is sent to the विधान परिषद ठीक है. दूसरी बात, इट कैन बी होल्ड फॉर नॉट मोर देन 14 डेज The bill is always passed always passed in the form in which the Vidhan Sabha passed in which the Vidhan Sabha passed. स्टूडेंट आप सभी ध्यान देंगे और लिखेंगे तो देखते क्या है हमारा. अभी अभी हम लोग का जाना ऑर्डिनरी बिल के बारे में, एकदम सेम थिंग मनी बिल के साथ भी वैसे ही होता है. मनी बिल चलिए आइए देखते हैं कि ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द विधानसभा. मनी बिल जो है वो सिर्फ विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना. विधानसभा में ही सिर्फ मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और जो ऑर्डिनरी बिल था वो विधानसभा या विधान परिषद किसी में अपर या लोअर में किसी में किसी हाउस में उसको जो है वो किया जा सकता है. एंड आफ्टर द बिल इन पास्ड बाय द विधानसभा इट इज सेंड टू द विधान परिषद. जैसे ही बिल पर डिस्कस होता है, जैसे ही बिल पर वोट्स आते हैं, वो बिल पर डिस्कशन और वोट के साथ ही यह धीरे धीरे करके एक समय के अंतराल एक समय दिया जाता है, उस समय में ही इन सभी चीजों को वोट दिया जाता है. साथ ही वोट करके और आपसी मेजोरिटी से ये चीजें विधान परिषद में जो है वो भेज दी जाती हैं. इट कैन बी होल्ड फॉर नॉट मोर देन 19 डेज. जैसे ऑर्डिनरी बिल था, ऑर्डिनरी बिल में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डिनरी बिल 6 महीने से ज्यादा जो है ऑर्डिनरी बिल विधानसभा से अगर निकल जाता है तो विधान परिषद में 6 महीना से ज्यादा वो लोग नहीं रख सकते. लेकिन यहां सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और यही चीज को देखते हैं कि इट कैन बी होल्ड नॉट मोर देन 19 डेज या 19 दिनों से ज्यादा जो है वह नहीं रह सकता है. 19 दिनों के बाद में जो है इनको देना पड़ेगा. ठीक है. फिर दूसरी बात, द बिल इज ऑलवेज पास इज फॉर्म इन विच द विधानसभा पास. और बिल जो है वह कहां से विधानसभा में ही जो है वह पास्ट होगा. और तब तक आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही. और ये चैप्टर का समापन आज हुआ और इसी समापन के साथ में हम लोग
कोरोना से बचेंगे और साथ ही कोरोना से बचते बचते आप इन सब का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर में जो जो सारी डिफिकल्टीज आएगी, डिफिकल्टीज के दौरान घर पे बैठे बैठे इन सभी चीजों को बनाना है और साथ ही पूछना भी है व्हाट्सएप के माध्यम से, जो ग्रुप में आपको पूछे जाएंगे और ग्रुप में ही सारे क्वेश्चंस को भेजना है और उसी में हम सब लोग मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और कोरोना से बचते रहिए। धन्यवाद।